अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आनियन के कई तरीक़े से लगाए जाते हैं, तो एक तो आपने सीड लगाया, उसी सीज़न में आपने उसको मुंतकिल की, वो आपको उसी सीज़न में जो है ना आपको इसका फल मिल गया। एक है सेट लगाने का तरीक़ा, आपने बेवक़्त आनियन की सीड लगा दी और जब वो छोटे छोटे सेट बन जाएंगे, छोटे छोटे बल्ब बन जाएंगे तो ओवर विंटरिंग हो जाती है, सर्दियों में पड़ा रहे ज़मीन में कोई उसको किसी किस्म की बीमारी नहीं लगती, कोहरा नहीं लगता। जैसे ही मार्च का महीना आ जाए तो आप उसे बाकी लोग सीट लगाने की तैयारी में होंगे, आप उस सेट को उठा के खेत में डालें तो वो मार्च में लगे हुए जो आनियन सेट्स है, इस वक्त मार्केटेबल है, ये हमारे स्टाफ के हाथ में है। देखें अयूब साहब PIC के खरदू स्टेशन के इंचार्ज है, हमारे उस्ताद है, हम उनको दिखाने के लिए लाए हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। हम आपको अयूब साहब से बातचीत करवाते हैं। ये छोटी सी एक्सपेरिमेंटेशन हमने की है, थोड़ा सा आगे दिखाएंगे। ये बेसिकली वैरायटी है, रेड बोन वैरायटी है, इंटरमीडिएट वैरायटी है। लास्ट ईयर हमने गंदुम के बाद जो है ना इसकी सीड जो है ना ज़मीन में डाला, मतलब आपने सितंबर में, अगस्त के एंड में। अच्छा, ये तब तक अगस्त में आपने सीड डाला तो छोटे छोटे वो इसके वो बन गए। मार्च में इसको हमने ट्रांसप्लांट किया और इस वक्त जून का 15-16 तारीख है, आप देख सकते हैं इसकी साइज मार्केटेबल साइज है कि नहीं है। अच्छा है, मार्केटेबल है, बेहतरीन है। इस टेक्नोलॉजी को आप क्या कहते हैं और हमारे लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या अहमियत है इसकी, बताइए थोड़ा सा। ये एक तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आनियन मैगाट का है, जब आप इसको सेट लगा लेंगे, छोटे जो बल्ब लगा लेंगे तो उस पर छिलका आ जाता है, छिलका आने के बाद आप जब लगा लेंगे तो आनियन मैगाट का इन्फेस्टेशन रुक जाएगा, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, आप ऑफ सीज़न होगा आपके अक्टूबर, और ये ऑफ सीज़न में आप एक क्रॉप जो है ना अर्ली ले सकते हैं। दूसरा, वो जो आप स्पी में सीड लगा के वो ग्रो कर लेंगे, उससे ज़्यादा जो है ना ये जल्दी पक जाएगा, जल्दी तैयार होगा और मार्केट में आप अच्छे रिजनेबल जो है ना प्राइस। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खरमांग की ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके रिजल्ट से मुतमईन है सर? बहुत अच्छा है, ये आप वैरायटल जो सिलेक्शन कर रहे हैं ये हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, हमारे एरिया के लिए बहुत एक जो है ना इकदाम है, तो मैं इसको सराहता हूँ। आपने एक प्याज की वैरायटी दो आपने इधर लाए, ये हमारे कंडीशन के लिए बहुत मुनासिब, मैं समझ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।